कोलकाता शहर में चाय के शौकीनों की कमी नहीं है, और अगर बात की जाए गुड़ की चाय की तो आप सोचेंगे कि गुड़ की चाय, वो भी कोलकाता शहर में। जी हाँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोलकाता शहर में मिल्क टी या काली चाय तो लोगों को पसंद आती ही है, लेकिन आपके अपने शहर कोलकाता के 17 नंबर रेपन स्ट्रीट कोलकाता 16 में राजा पंडरीचा अमृत तुल्य के नाम से चाय की शॉप खोली गई है। राजा पंडरीचा अमृत तुल्य मुंबई का ब्रांड है, और अब मुंबई की चाय का स्वाद कोलकाता वासियों को भी मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको गुड़ की चाय तो मिलेगी ही, जिसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, और साथ ही साथ मिल्क टी और ब्लैक टी का भी आनंद आप ले पाएंगे। राजा पंडरीचा अमृत तुल्य शॉप की ओपनिंग के मौके पर मोहम्मद फिरदौस, नौशाद आलम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद मयुद्दीन के हाथों इसकी ओपनिंग हुई। यहाँ पर चाय पीने वालों ने राजा पंडरीचा अमृत तुल्य चाय की तारीफ की। तो फिर देर किस बात की, आप भी चले आइए और ले चाय की चुस्की का आनंद राजा पंडरीचा अमृत तुल्य में। हम लोग बोलना चाहते हैं, ये मुंबई का ये पहला ब्रांड हम लोग कोलकाता में लेके आए, ये अमृत तुल्य चाय है। ये चाय का टेस्ट यहाँ के लोगों से थोड़ा डिफरेंट है जी। ये चाय जो है हमारा सबसे स्पेशल चाय होगा, गुड़ का चाय। ये हमारा लेमन टी, लॉन्ग टी, बहुत सारे वेरियंट का चाय है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे, आप लोग एक बार आए आके ये चाय टेस्ट करें, और कस्टमर का रिव्यू हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हम लोगों को बताए। क्योंकि कस्टमर तो तरह तरह जगह में जाके चाय पीते हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा चाय भी एक बार आके वो टेस्ट करे। और आज स्पेशल डे है हमारा, 6 बजे से लेके 8 बजे तक हमारे लोगों का फ्री चाय यहाँ पे सर्व किया जाएगा। आप लोगों की दुआ है, माशाल्लाह आज से तो चालू कर दिए हैं, बाकी आप लोगों की मेहरबानी हो तो और आगे और भी सोचा जाए इसके लिए। और इसमें जो है चाय को अपने हिसाब से ही दे रहे हैं, जिस तरीका से उस तरीका से इंशाल्लाह किसी को शिकायत का मौका ना मिले, बस यही चीज़ चाहते हैं। और हर तरीके से हर जगह यही चाय का इंतजाम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग। इस पे हम लोगों का चाय ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, गुड़ की चाय है, और शक्कर भी जो है जिसको बोलते हैं गुड़ की भी चाय है। जी गुड़ की भी चाय होगी, स्पेशल गुड़ की चाय। जी हाँ जी, वो भी है, और बाकी सब तो चल ही रही है। मुंबई का ये हम लोग का फर्स्ट आउटलेट है यहाँ पे कलकत्ता में, आपका ये हम लोग फ्रेंचाइजी लिए है, तो ये आपका फर्स्ट आउटलेट हम लोग कोलकाता में लिए। अब किसी को भी लेना होगा तो वो क्या कि हमारे अंडर से जाएंगे फ्रेंचाइजी के लिए, और हमारे जो रेट है हम लोग की रिजनेबल रेट 10 रुपये से है, और गुड़ की चाय है जैसे 25 रुपीज़ है आपका। ये हम लोग का स्टार्टिंग रेट है, ये सब 10 रुपया मिनिमम रेट है, ये स्टार्टिंग है। और आप लोग सब आए तो यहाँ पे आकर अपना देख सकते हैं, 17 नंबर रिपन स्ट्रीट। लोकेशन आपकी ये लॉरोटो डे स्कूल है गर्ल्स, उसी के सिख साइड पहले है, लॉरोटो डे स्कूल इससे पहले है ये। और आप आकर यहाँ पे अपना स्वाद हम लोग का राजा पंडरीचा का आप स्वाद चेक कर सकते हैं। और गुड़ की पहली बार कोलकाता शहर में गुड़ की चाय देखी जी जी जी, ये फर्स्ट टाइम है। और अदर्स हो सकती है, कोई अदर्स ब्रांड भी होगी, ऐसा कोई बात हम लोग नहीं बोल सकते, हो सकती है किसी की भी फ्रेंचाइजी है, बहुत सारी कंपनी है जैसे मुंबई में बहुत से, तो कोई भी हो सकती है, कोलकाता में और भी होगी। तो हम लोग का ये फर्स्ट है आउटलेट मुंबई से, ये राजा पंडरीचा जो है ये हम लोग का फर्स्ट आउटलेट है, और किसी को भी जाना हो तो हम लोग के भाई ही जाना होगा, ठीक है। आप लोग आके चेक, वो लोग देखिए सबको ऐसा इनवाइट किया गया है, ऐसा नहीं है। अब वो दुकान का नाम है राजा पंडरीचा, जो कि बंगाल में पहला फर्स्ट आउटलेट चालू हुआ, ओपन हुआ अपना, और इसमें क्या है थोड़ा कुछ बेहतर करने जा रहे हैं बंगाल में। ये ब्रांड मुंबई का है, मुंबई का, हाँ अच्छा। तो उसको हम लोग यहाँ वेस्ट बंगाल में चालू करने जा रहे हैं, या यहाँ के लोग जितना मुझे प्यार देंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, और बेहतर से बेहतर उसको टेस्ट मिलेगा, क्वालिटी क्वांटिटी सब एक नंबर रहेगा। यूनिक क्या है यहाँ? यूनिक में अपना एक स्पेशल चाय है, और अपना गुड़ का चाय जो कि बहुत ही मतलब आयुर्वेदिक है, गुड़ की चाय जी आयुर्वेदिक है, वो फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। और अपना लेमन टी है, ब्लैक टी है, वो सब रहेगा, और भी वैरायटी है जो धीरे धीरे जैसे डिमांड होगा यहाँ पे। और मुंबई जैसा टेस्ट मिलेगा, मुंबई जैसा ही एक नंबर, हाँ टेस्ट जैसा मुंबई में चाय टेस्ट वैसे वैसा ही टेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, बिल्कुल जी। तो मिनिमम जो पब्लिक
आम आदमी जो दे सके हम उन्हें उतना ही प्राइस रखा है, सिर्फ 10 रुपए रखा है। सब चाय का 10 रुपए? हाँ सबका चाय, सब चाय का एक ही प्राइस रखेंगे। हम लोग सेवा करने आए हैं, बस प्यार चाहिए यहाँ कलकत्ता वासी का। जी जी, मुंबई से। मुंबई में रहते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद। जी जी हाँ, मुंबई में बहुत सारा आउटलेट है। नहीं जी, इसने राजा पंडरी का बहुत सारा आउटलेट है। मुंबई में कितने आउटलेट है? मुंबई में 250 प्लस है। 250 प्लस आपका? मुंबई इसका, ये ब्रांड का है। हाँ ये ब्रांड का। और अपना 4 आउटलेट है मुंबई में। जी, फर्स्ट कोलकाता में चल रहा है। थोड़ा टफ है क्योंकि वो नाम मराठी है, महाराष्ट्र का है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा लगता है, लेकिन नाम अच्छा है, राजा पंडरी चा। कोलकाता वाले नहीं, हम तो यही कहेंगे भाई, कोलकाता वाले जो भी है आए हमारे आउटलेट पे और एक बार पी के जाए, खुश होके जाएंगे। आपको ना मतलब नाराज ऐसा नहीं होगा कि अंदर से फील होगा कि नहीं हाँ कुछ पिया है। जी बस यही कहना चाहेंगे। ऐसा चाय यहाँ का है बताएं पहले? हाँ चाय तो बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम कलकत्ता में ऐसा चाय मिला है। मुंबई का मुंबई का चाय कोलकाता शहर में खुला है। जी, क्राउड भी काफी है देखा। जी जी जी, चाय लगी यहाँ की बताएं? चाय बहुत उम्दा चाय भाई, बहुत उम्दा चाय है। मुंबई का टेस्ट कोलकाता शहर में? जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा चाय है और चलेगा इंशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल। बनी बताएं? काफी अच्छी चाय है, पी है, बहुत ही अच्छा लगा, काफी लाजवाब। जी हाँ, टेस्ट है यहाँ काफी टेस्ट है। मुंबई का टेस्ट कोलकाता शहर में? हाँ फर्स्ट टाइम आया है माशाल्लाह। हाँ बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट। और लोग जो काफी लोग सारे लोगों के दोस्त अब आपको कहेंगे कि सब सारे आए यहाँ पे टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट करें, और उनके बाद पता चलेगा कि और भी सारी क्वालिटी में और यहाँ की क्वालिटी में क्या फर्क है।